आज हम लोग आखिरी ज्यामितीय विधि सीखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 का भाग ये होगा। कौन सा आपका? 3 हो चुका था, ये चौथा चल रहा है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसे आलेखीय विधि भी कहते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे, आलेखीय विधि इसी का नाम है। इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड, नाम से पकड़ में आता है ग्राफ, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। और क्लास 9 का आपको निर्देशांक ज्यामिति वो आना चाहिए इसके लिए। आइए ज्यामिति विधि देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। समीकरण एक, तो हमें करना क्या रहता है इसमें, समीकरण एक का इस्तेमाल कीजिए पहले। समीकरण एक से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसको नीचे सॉल्व करें, तो आपको आसान लगेगा इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस जगह पर समीकरण एक से ये है आपका समीकरण एक। ठीक है, देख सकते हैं, ये रहा आपका एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। 3y को इस तरफ ले जाइए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3y। और अब आप इसका एक बॉक्स रेडी कीजिए। ठीक है, बॉक्स रेडी करने का मतलब है कि आप अगर क्लास 9 का पढ़े होंगे सही ढंग से तो याद होगा, यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ वाई लिखते हैं, और वाई का जो मन करे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी पुट कर सकते हैं। ये आपके पर डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हैं उसको। y का वैल्यू सबसे पहले हम पुट कर देते हैं 1 1, तो कितना हो जाएगा देखिए, 6 माइनस 3 ब्रैकेट में 1। सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 कितना आएगा आपको, 3। तो x का वैल्यू आएगा 3। यह रहा एक। इसी तरह से दूसरा, y का एक वैल्यू रख लेते हैं 0, 0 रख लीजिए, तो इस बार यहाँ पुट करेंगे 0। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग अपने तरीका से। 0, 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 6। आप दो ही वैल्यू से काम चला सकते हैं, ऐसे 3 रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो दो ही रख रहे हैं हम, आप लोग और चाहे तो रख सकते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसा ही आपको करना है अब समीकरण 2 के साथ। ठीक है, समीकरण 2 से 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पर आपके पास है कि आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे या y का, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसका चाहते हैं। ठीक है, जो चाहेंगे वो आपको सही रहेगा। तो हम लोग यहाँ भी वही करते हैं, x इक्वल टू पता करने का कोशिश करते हैं, 12 प्लस 3y, माइनस था उधर गया तो प्लस में हो गया, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, यहाँ इंटू में था ना, ये उधर गया तो ऐसा हो गया। अब इसका भी एक बॉक्स रेडी कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये रहा x, ये रहा y। ठीक है, y का वैल्यू क्या रखें, तो 0 रख लीजिए सबसे पहले, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ नहीं लिए हैं, आप चाहे तो ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 12 माइनस सॉरी प्लस होगा 0, वाई का वैल्यू कितना रखना है 0, या वाई में 2 कितना आएगा, 12 प्लस 0 बाई 2 और 12 बाई 2 कट के आएगा 6। ये रहा आपका एक्स का वैल्यू 6। ऐसा ही अब दूसरा वैल्यू रखते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं यहाँ पर और इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके जगह पर रख लेते हैं इस बार माइनस 2, माइनस 2 यहाँ देखिए, y के जगह पर माइनस 2, तो हो जाएगा 12 माइनस 6 बाई 2, 6 बाई 2 3 लीजिए, माइनस भी हो गया, आप और वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्लास 9 अगर आप लोग पढ़े हैं ध्यान से, तो हम लोग इसको कार्तीय तल पर,
कार्टेशियन प्लेन इंग्लिश में कहते हैं, उस पर इसको प्लॉट करेंगे, निरूपित करेंगे हिंदी में। हाथ से बना रहे हैं, अगर आप स्केल वगैरह का यूज करेंगे ग्राफ कॉपी तो 100% सही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके लिए हो गया वाई एक्सिस अक्ष, ये हो गया आपके लिए एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, नीचे हो गया वाई डैश। ठीक है, ये रहा ओरिजिन मूल बिंदु, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस, हिंदी में अक्ष कहा जाता है। इस पर प्लॉट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा ही आप कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और भी कर सकते हैं, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ऐसा ही -5 नीचे भी कर लीजिए, -1, -2, -3, -4, ये सब क्लास पढ़ना था आपको 9 में। प्लॉटिंग शुरू कीजिए, एक्स का वैल्यू कितना है 3 और 1, एक्स का वैल्यू 3 और 1 यहाँ पर आएगा इस जगह पर। ठीक है, ये रहा, इसको और अच्छे से कर लीजिए आप लोग, ग्राफ कॉपी में कीजिए लोग, नहीं तो आंसर नहीं आता है। दूसरा है 6, 0, देखिए एक्स का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 0 यहीं पर होगा, वाई का वैल्यू 0 देखिए यहाँ पर है ये, तो यहीं पर इसको कर दीजिए गोल। अब इन दोनों को मिला दीजिए, तो हम इसे दूसरे कलर से करते हैं, एक है रेड कलर या ब्लू कलर का यूज कीजिए, पूरा पेज के आखिरी तक आप इसे ड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये एरो का साइन दे दीजिए, आगे देखते हैं अब 6, 0, एक्स का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 0 यहीं पर आया फिर ये। ठीक है, जरूरी नहीं था कैसा किया जाए, वो ऑटोमेटिक आ गया। 3, -2, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू -2 यहाँ पर, ये देखिए। अब इसको भी मिला दीजिए दूसरे कलर से, अब मिला दे रहे ताकि आपको दिखाई दे, रेड कलर है, शायद आपको दिखाई नहीं देगा ये क्लियर। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, यहाँ देखिए, ये देखिए, और भी इसको आगे तक आप एक्सटेंड कर सकते थे। जहां पर दोनों लाइन कट करते हैं वही आंसर कहलाता है। कटिंग कहाँ हुआ है, इस जगह पे, तो यहाँ पर ही आंसर होगा 6, 0, अर्थात एक्स का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 0, ये रहा आपका आंसर। लेकिन ग्राफ इतना में मत छोड़िएगा, थोड़ा सा इसको कर देना चाहिए अच्छा। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ लिख दीजिए पॉइंट, चूंकि अच्छा ना लगेगा इसलिए इसे कर दीजिए 3, 1, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3, 1। यहाँ कौन सा पॉइंट है 3, -2, लिख दीजिए। और ये कौन सा इक्वेशन था आपका, इक्वेशन नंबर 1, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, ये लिख दीजिएगा अच्छा लगेगा। और ये कौन सा आपको समीकरण था दूसरा, 2x-3y इक्वल टू 12, अच्छा लगता है इस तरह से देखने पे। ये रहा आपका आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, या इंग्लिश हिंदी में ज्यामितीय विधि इसको कहा जाता है। और भी वैल्यू रखकर आप काम कर सकते हैं, कम से कम 3 रखना चाहिए, लेकिन 2 में ही आंसर आ जाता है तो ठीक है।